स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर अब अलग केंद्र शासित राज्य बन गया है और लद्दाख भी अलग प्रदेश बन गया है। राज्यसभा में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश किया है, जो एक लंबी बहस के बाद पारित हो गया है। मंगलवार को इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद नए प्रस्ताव को लागू कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 के कानून बनने के बाद जम्मू कश्मीर का मानचित्र पूरा बदल जाएगा। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सामरिक दृष्टि से अहम कारगिल जिला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं रह जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक कारगिल और लेह जिले को मिलाकर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू में एक बार फिर बगावती सुर देखने को मिले हैं। सोमवार देर रात जेएनयू कैंपस के अंदर एक बार फिर आजादी आजादी के नाम की गूंज सुनाई दी। चंद लोगों ने अंधेरे में जमकर नारेबाजी की और अनुच्छेद 317 को वापस लेने की मांग की। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के पीछे एक बड़ी वजह सर्जिकल स्ट्राइक पर उसके असमंजस को बताया गया। चुनाव नतीजों के बाद माना गया कि कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक पर साफ स्टैंड नहीं ले पाई और लोगों ने इसमें गलत संदेश दिया। दक्षिणी दिल्ली में जाकिर नगर इलाके में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 11 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने की सूचना पाकर दमकल के साथ गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने की पूरी कोशिश जारी है। जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष अधिकारों के अब हटा दिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद घाटी में सुरक्षा को बढ़ाया गया है, ताकि किसी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल भी इस वक्त श्रीनगर में है और करीबी से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अजीत डोभाल केंद्र के फैसले को सही तरीके से लागू होने तक वहां रहेंगे। एनएसए अजीत डोभाल लगातार वहां पर लोकल लोगों से बैठक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। धारा 370 को कमजोर कर दिया गया है और साथ ही जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस बीच अब केंद्र सरकार ने पूरी तरह से घाटी पर फोकस करना शुरू कर दिया। सूत्रों के माने तो मोदी सरकार राज्य में जल्द कई बड़ी योजनाओं का ऐलान करने वाले हैं, जिससे राज्य में विकास को आगे बढ़ाया जा सके। बताया जाए कि केंद्र सरकार जल्द जम्मू कश्मीर के लिए नए तरीके से विकास का खाका खींचने का काम करेगी। अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए फुटपाथ, रेलवे और हाईवे के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था के प्रमुख सेक्टरों में व्याप्त सुस्ती से निपटने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मांग और उपभोग में नरमी की समस्या से जूझ रहे सेक्टरों के प्रतिनिधियों से सरकार मिलेगी और इससे निपटने के लिए नीति तैयार करने में उनके सुझाव को शामिल करेंगे। वित्त सचिव राजीव कुमार ने भी कहा है कि सरकार इन क्षेत्रों की समस्याओं के कारणों को जानने के लिए उन क्षेत्रों के हितधारकों के साथ सिलसिलेवार बैठक भी करेंगे। कर्नाटक में आपों की बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच बेलगावी जिले में निपाली के पास नेशनल हाईवे 4 पर दरार पड़ गई है। इस कारण हाईवे पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। बारिश के कारण कर्नाटक के कई जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने भी कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने पहले ही कर्नाटक, कोंकण और गोवा के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दे दी थी। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के समुद्री तटीय इलाके तेलंगाना और दक्षिणी कर्नाटक में भारी बारिश होगी। कर्नाटक में बाढ़ और बारिश पर विधानसभा तक में चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस विधायक एचके पाटिल ने मुख्यमंत्री वीएस येदुरप्पा को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री 6 अगस्त को होने वाला दिल्ली दौरा रद्द करें। विधायक ने मांग की है कि मुख्यमंत्री उत्तर कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी करें। पत्रकार किरण बशीर को कुचलने के आरोप में आईएएस अफसर श्रीराम वेंकट रमन को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके साथ श्रीराम को निलंबित भी कर दिया गया है। शनिवार को मलयालम अखबार में काम करने वाले किरण बशीर अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी नशे में धुत आईएएस अफसर श्रीराम वेंकट रमन ने अपनी कार से टक्कर मार दी थी। इस हादसे में किरण बशीर की मौत हो गई थी। 35 वर्षीय की मौत उस वक्त हुई जब आईएएस अधिकारी की कार स्पीड हाई थी, उनके बाइक को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई थी। अधिकारी एक पार्टी में नशे में धुत होकर लौट रहा था। बताया जा रहा है कि जब वो अपनी कार से उतरे तो नशे में ही था। पुलिस ने धारा
सन्यासी एन के गलत तरीके से ड्राइविंग 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नाइन न्यूज दीजिए चैनल। और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें।